हाय फ्रेंड, ये देखिए मेरी मम्मी हैं जो अब हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाए हैं उसे पकाना चालू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए गोहरी उसका ईंधन लगा रहे हैं, उसको मतलब राउंड में जो है कि इसको बनाएंगे ताकि उसके ऊपर हम मिट्टी का बर्तन रख सके अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए मतलब ऐसे उठा उठा के छोटा छोटा रहता है तो उसको सरियाना पड़ता है, बढ़िया से गिरे ना ऐसा उसको बनाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए मम्मी हैं, मैं हूँ, ये लगा रहे हैं हम दोनों लोग। ठीक है, और अभी जब लग जाएगा तो आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे कैसे कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए लगभग हमारा छोटा सा आमा है, छोटा सा छोटा बर्तन पकाना है तो थोड़ा ही करेंगे। ये देखिए लगभग प्रोसेसर तैयार हो चुका है, ये राउंड हो गया है, ऊपर थोड़ा थोड़ा और मतलब ईंधन देंगे ताकि जो है कि पूरा हो जाए। ये देखिए अब लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं ऐसा ईंधन लगाते हैं हम लोग। अब इसको लगाने के बाद ठीक है फ्रेंड, अब उसके ऊपर मिट्टी का बर्तन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए कैसे लगता है, ये देखिए बीच में वो आग डालने के लिए वो हमने रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद साइड साइड से ये पुरवा है, ठीक है, जिसमें पानी या चाय पीते हैं लोग, तो वो हमने बनाया है ऑर्डर का। तो उसके लिए अब उसको पकाने के लिए देखिए ईंधन का लगा दिया, अब उसके ऊपर से हम उसको ऐसे 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 सरियाएंगे बढ़िया सा, धीरे धीरे पूरा सरियाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि आगे का प्रोसीजर होगा। देखिए ऐसे राउंड में रखा जाता है ताकि हर किसी पुरवा को हर तरफ से सपोर्ट रहे ताकि गिरे ना, क्योंकि गिरेगा तो दोस्त थोड़ा सा भी गिरता है ना तुरंत फूट जाता है, ये इतना एकदम नरम होता है जैसा बोल के, बस थोड़ा सा भी गिरा ना कच्चा बर्तन है तो वो तुरंत फूट जाता है। तो इसके लिए उसको बहुत संभाल के लगाना पड़ता है, और लगाने के बाद जो है कि बताएंगे और आगे क्या क्या करना है। आप देखते रहिए हमारे साथ, वीडियो में बने रहिए फ्रेंड, लास्ट तक हम आपको पूरा बताएंगे कैसे लगाते हैं, कैसे पकाएंगे, क्या कैसे उसमें आग डाला जाएगा, कैसे हम उसको करते हैं, सब कुछ पूरा पूरा लास्ट तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए, हम पूरा आपको बता देंगे कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड, उसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि मतलब कहीं ऊंच खाल ना रहे, कि गिरने का डर ना रहे, ऐसा बहुत कुछ देखना पड़ता है उसमें। अगर गड़बड़ हुआ, थोड़ा बहुत खाल ऊंच हुआ ना, तो वो फूटने लगता है बर्तन। ठीक है, फूटने लगता है, प्लस उसके साथ साथ वो बैठ जाएगा तो पकेगा नहीं, तब वो जो रे मतलब हल्का पीला टाइप में होता है ना वैसा, मतलब पक के रेड टाइप में, रेड ना होके वो काला काला हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर से पकाना पड़ेगा उसको, तो इसके लिए उसको बहुत संभालना पड़ता है। ये देखिए अभी मैं उतना लगा के गया, ये मम्मी आ गई हैं और बाकी का सब लगाएंगे धीरे धीरे, ये लग जाएगा। ठीक है, ऐसा जितना बर्तन रहता है ना छोटा वाला, वो सब ऐसे 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 सरियाते हैं बढ़िया से। ऐसे सरियाने के बाद ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ पास से, कैसा ऐसे राउंड में ना पूरा चारों तरफ एक बराबर का सरियाना पड़ेगा। एक बराबर से सरियाने के बाद जो है कि ये हवा तैयार होगा। ठीक है, उसी हिसाब से वो घेरा बनाया जाता है ईंधन का, कि जिस हिसाब से कि पूरा बराबर से जो है कि उस पर बर्तन बैठ जाए और राउंड में एकदम रहे। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड ये देखिए अब लगभग लगभग धीरे धीरे तैयारी हो रहा है, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जल्दी जल्दी लगा देंगे अभी हम लोग, अब हो गया है। ये देखिए ये लगभग राउंड में तैयार हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब ऊपर जो है कि छोटा छोटा बर्तन और भर दिया जाता है ताकि उसमें मिट्टी विट्टी ना घुसे, तो ऐसे भरने के बाद तो जो है कि कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद साइड से फ्रेंड गोहरी खड़ा करेंगे हम, ईंधन जो होता है साइड से भी लगाएंगे ताकि गिरे ना। ये देखिए अभी साइड से लगाएंगे हम लोग,
ये देखिए साइड से लगा दिए, ऊपर थोड़ा सा वो भूसी का बुरादा था वो डाल दिए हैं आग पकड़ने के लिए, साइड से ईंधन लगा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप लोग। और वो बीच में जो दिख रहा है वो उसमें से हम आग डालेंगे ताकि नीचे का ईंधन पकड़ ले और पूरी तरीके से हमारा पूरा ईंधन पकड़ ले, बरने लगे। ठीक है फ्रेंड, अभी देखो इसको हम मिट्टी से ढकेंगे, तो उसके लिए पहले पूरा ये जो है अभी ये धान का वो है पेड़, तो उसको सुखाने के बाद ऐसा हो जाता है पीट पाट के, तो इसको हम लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको सारी तरफ हम अच्छे से थोड़े पतीले लेप में पूरा एकदम ऐसे फैला देंगे। ये देख सकते हैं आप, पूरा ऐसा कर देंगे जो है कि उसके बाद ये देखिए हम मिट्टी लेने के लिए आए हुए हैं। ये मिट्टी का वो गड़ा है, पोखरी जिसे बोलते हैं, तो उसमें से हम मिट्टी निकालेंगे। मिट्टी नरम होना चाहिए, कंकड़ वंकड़ ना होना चाहिए, एकदम फ्रेश मिट्टी होना चाहिए बढ़िया। तो ये देखिए ये हम छांट के उसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये निकाल के अभी बाल्टी में भरेंगे, फिर लेके जाएंगे तो वहाँ पे उसको लीपना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ताकि उसमें का जो आग रहता है वो बाहर ना आए, अंदर ही रहे, ताकि पक सके हमारा बर्तन अच्छे से। ये देखिए हम बाल्टी में भर रहे हैं, और जो है कि भरने के बाद चलेंगे लेके, तो आपको दिखाएंगे लीप करके कि कैसे उसको बढ़िया से मतलब ढका जाता है, लीपा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हमारा लगभग हो चुका है, कम से कम 5-6 बाल्टी लगेगा, मैं एक बाल्टी के दिखा दिया हूँ। ये देखिए हमारा है, वो हमने तसला में भी ला रखा है बाल्टी में, और इधर नीचे रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए मैं आ गया अभी, अभी देखिए ये मिट्टी का ऐसे उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो अंदर चला जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, उसके लिए वो रखा हुआ है ना घास उसके ऊपर, तो उसके ऊपर रख के हम धीरे 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 उसको पूरा जो है कि वो जो गीला वाला मिट्टी है वो पूरा उसके ऊपर, घास के ऊपर पूरा अच्छे से लेप लगा देंगे उसका। पता है वो क्यों लगाया जाता है? उसके लगाने से क्या होता है ना कि जो भी आग रहता है, जो हमारा ईंधन नीचे से पकड़ता है आग होता है, तो वो आग उसमें एकत्रित रहता है, उसके वजह से जो है कि हमारा मिट्टी का बर्तन जो है ना वो अच्छे से पक पाता है। अगर ये हम नहीं लगाएंगे ना तो वो बर जाएगा, बर के ख़त्म हो जाएगा, और मिट्टी का बर्तन पकेगा नहीं, वो काला होकर ख़राब हो जाए, मतलब काला हो जाएगा, फिर दोबारा हमको पकाना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको उस हिसाब से मिट्टी का लगाया जाता है लेप, ताकि मतलब पूरा अच्छे से उसके अंदर ही आग दबा रहे और वो पूरे बर्तन को अच्छे से पका सके। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हम कैसे लीप रहे हैं उसको, मतलब लगा रहे हैं लेप उस पर। ठीक है, आप देख सकते हैं बढ़िया से, अभी देखिए हम सामने से लगाएंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे उसको लगा देते हैं ताकि उसका आग पूरा अंदर ही रहे और मिट्टी का जो बर्तन है वो अच्छे से पक सके। ठीक है फ्रेंड, ताकि हम यूज कर सके उसे किसी भी पानी पीने के लिए या चाय के लिए, किसी चीज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उसके लिए ये लेप बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो मिट्टी का बर्तन नहीं पका सकते हैं आप। ठीक है, कहीं कहीं लेप लगाते हैं, कहीं कहीं उसका राउंड में वो गड्ढा जैसा बना रहता है, तो उसमें लेप लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, ऊपर से पत्ती और जो है कि कोयला लगा के पका देते हैं। ठीक है, तो भी उससे अंदर आज दबा रहता है तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम बाहर लगा रहे हैं तो बाहर में हमको ऐसा लेप लगाना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए लेप अब हमारा तैयार होने वाला है, अब इसके अंदर आग डालेंगे हम। ठीक है, गुहरी का आग बनाए हुए हैं, उसमें डालेंगे ताकि पकड़े। ये देखिए मम्मी हमारी आ गई है लेके आग, अब उसमें डाल रही हैं। ठीक है फ्रेंड, अब डालने के बाद देखिए उसको खोद के, मतलब वो चिमटा होता है ना या किसी भी चीज़ से उसको अंदर डालेंगे, ताकि वो जो नीचे वाला ईंधन है उसमें आग लग सके, पकड़ सके। उसमें जब पकड़ लेगा ना तो फिर उसके बाद जो है कि ये पूरा हवा पकाएगा, मतलब पूरे ईंधन में आग लगेगा धीरे 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 धीरे, तो जो है कि ये अच्छे से पकेगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए अभी डाल रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे कैसे पूरा पकड़ लेगा तो धुआं फेंकने लगेगा। ये देखिए अभी उसकी 10-20 मिनट या आधा घंटे के बाद का ये, तो आधे घंटे बाद देखिए ऐसा उसमें आग हो गया है, हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से धुआं फेंक रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं उसमें हमने छेद कई जगह किया हुआ है ताकि वहाँ से धुआं पास हो और आग अच्छे से ग्रोथ बढ़ पाए। ये देखिए पक गया है हमारा बर्तन, ये हमने आपको दिखा दिया, अभी इसे आप यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। ओके फ्रेंड, नए हैं अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।